सभी शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस के कारण माननीय प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को तीसरी बार बढ़ाया है, जो 17 मई तक रहेगा। उसको ध्यान में रखते हुए कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, तो प्रदेश सरकार के उपमंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी ने यह निर्णय लिया है कि हमारे विद्यालय में जो ऑनलाइन की व्यवस्था चल रही है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। जो बच्चे उसमें नहीं जुड़ पाए हैं वो भी उन बच्चों से जुड़ें। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास स्मार्टफोन की व्यवस्था नहीं है, तो इन ऐसे छात्रों के लिए केंद्र सरकार ने स्वयं प्रभा चैनल स्टार्ट करवाया है, जो दोपहर 1 बजे से लेकर 7 बजे तक 6 घंटे चलता है। उसे प्रथम 3 घंटे हाई स्कूल के लिए और बाद के 4 बजे से 7 बजे तक जो है इंटरमीडिएट के लिए पढ़ाए जाते हैं। प्रतिदिन 2-2 विषय उसमें अध्यापन कराया जाता है, तो ऐसे छात्र जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो उसका भी लाभ ले सकते हैं। दूसरा, मैं सभी शिक्षकों और छात्रों और उनके अभिभावकों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपने मोबाइल में आरोग्य ऐप डाउनलोड करें, जिससे जो कोरोना वायरस की जो समस्या है, यदि कोरोना से आप प्रभावित होते हैं, आपके आसपास कोई ऐसी समस्या आती है, तो समय रहते आप अवगत हो सकते हैं और उसका सुचारू रूप से उसका इलाज समय रहते कराया जा सकता है। तो इसलिए ये सभी बच्चे, सभी अभिभावक अपने मोबाइल में ये आरोग्य सेतु ऐप आवश्यक रूप से अपलोड करा लें। दूसरा, कुछ बच्चों को शिक्षण सामग्री मार्केट से भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए दीक्षा ऐप भी सभी बच्चे उसमें लोड कर लें और शिक्षक भी उसमें ध्यान रखें कि उससे सभी छात्रों को और सभी शिक्षकों को भी शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो सकती है। दूसरा, जो बच्चे ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो अपने दो साथी उसमें नहीं जुड़ पाए हैं, उनको भी जुड़वाने का प्रयास करें, शिक्षकों के माध्यम से उनको जोड़ दें, जिससे उनको भी शिक्षण की व्यवस्था का लाभ मिल सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे उसमें सहयोग करेंगे। दूसरा, शिक्षक साथियों से भी अनुरोध है कि यदि उनके कॉन्टैक्ट में कोई छात्र आता है और आपकी कक्षा का भी वो छात्र नहीं है, तो उसको आप जो है अपने साथी से कॉन्टैक्ट करके उसको जो संबंधित क्लास है उसमें उसका नाम ऐड करवा सकते हैं, जिससे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से जो आप शिक्षण कार्य व्यवस्था कर रहे हैं उसका लाभ उस बच्चे को मिल सकते हैं। दूसरा, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 11वीं के सभी छात्रों को प्रोन्नत अगली कक्षाओं में कर दिया गया है। दूसरा, ये भी ध्यान रखना है, जो कक्षा 10 के विद्यार्थी थे वो कक्षा 11 में जो प्रोन्नत होंगे वो टेम्परेरी अस्थायी रूप से कक्षा 11 में अपना नाम लिखवा सकते हैं। जो बच्चे कला वर्ग लेना चाहते हैं वो ए सेक्शन में, जो बायोलॉजी और मैथ्स के बच्चे हैं वो B1 और B2 में एडमिशन्स लेंगे, और जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो COD में करेंगे। कि हमारे यहाँ जो है 5 सेक्शंस जो हैं, जो 11वीं के 5 सेक्शन हैं उसके अनुसार ही शिक्षण कार्य व्यवस्था होगा। तीसरी बात ये ध्यान रखना है, जो 8वीं के बच्चे थे वो 9th में प्रोन्नत कर दिए गए हैं, जो 8वीं ए और बी के बच्चे थे वो सभी, उनको 4 सेक्शन में विभाजित कर दिया गया है, ABCD में विभाजित कर दिया गया है। तो जो बच्चे उसमें जुड़े हैं उनके 5 विषय ए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये 5ों विषय हर विद्यार्थी को पढ़ने हैं। जो 6ठा विषय है ऑप्शनल विषय, चाहे वो कला है, चाहे वो वाणिज्य है, चाहे वो कंप्यूटर है, उसकी व्यवस्था इस तरह पर रखी गई है, जो ए और बी सेक्शन है वो उसमें जो है कला वर्ग, और जो सी सेक्शन है वो कंप्यूटर, और डी सेक्शन में वाणिज्य विषय रहेगा। दूसरा, ये भी ध्यान रखें, जो 8वीं C के अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी थे वो सभी जो हैं 9वीं E सेक्शन में पढ़ेंगे। 5ों सेक्शन में 8वीं के बच्चे इस तरह से आएंगे। जो नए बच्चे आएंगे वो भी उसमें इसी तरह से ऐड किए जाएंगे। तो सभी शिक्षक साथियों से भी अनुरोध है कि वो जो मटेरियल उसमें सामग्री दें वो साफ़ सुथरी दें और PDF के माध्यम से दें, जिससे कि बच्चों को सामग्री समझने में, शिक्षण सामग्री समझने में सुविधा रहे और कोई दिक्कत उसमें ना हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित बच्चे हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका लाभ अधिकतर बच्चों को रहेगा। दूसरा, ये भी ध्यान रखना है कि प्रदेश सरकार का ये भी उद्देश्य है कि यदि टीचर्स अपना विषय वाइज अपना ग्रुप बना लें तो बच्चे को ज़्यादा सुविधा रहेगी, क्योंकि एक ग्रुप, कक्षाओं के ग्रुप में कई विषय एक साथ आने की वजह से उनको शिक्षण सामग्री ऐसी आ जाती है कि उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यदि शिक्षक अपना अपना ग्रुप विषय वाइज बना लें तो वो ज़्यादा लाभान्वित बच्चे हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी उसमें जितना भी है प्रयास करेंगे, सभी शिक्षक उसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे और अपनी शिक्षण सामग्री उत्तम श्रेणी का देने का प्रयास करेंगे, जिससे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। जय हिंद, जय भारत।